भारत और कनाडा के बीच हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्याकांड में भारतीय हाई कमिश्नर और कई डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नामित किया है, जिससे भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की है। अब इस घटना से द्विपक्षीय संबंधों के लिए नई चुनौतियां पैदा हो गई हैं। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर तनाव लगातार जारी है। जस्टिन ट्रूडो शासन ने इससे आग भड़काने का और कोशिश की है। उन्होंने निज्जर हत्याकांड की जांच में भारतीय हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में लिंक किया है, जिसकी भारत ने खुली आलोचना की और बेतुका आरोप बताते हुए चेतावनी दी है। जस्टिन ट्रूडो शासन ने निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाए थे और तब से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। सितंबर 2023 में ट्रूडो ने भारत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय एजेंटों को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल बताया था। भारत ने इस तरह के आरोपों को साफ तौर पर मोटिवेटेड करार दिया था। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी करते हुए कनाडाई सरकार पर आरोपों के सबूत शेयर न करने की बात कही है। भारत ने ट्रूडो पर राजनीतिक लाभ के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स का आरोप लगाया और कहा कि उनकी मांग के बावजूद कनाडा के निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने को लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए हैं। भारत ने यह भी संकेत दिया कि ट्रूडो सरकार का यह कदम भारत की छवि को धूमिल करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ट्रूडो ने पहले भी राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है और उनकी 2018 के भारत यात्रा भी इसका उदाहरण थी, जहां उन्होंने वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश की थी। दरअसल कनाडा में एक बड़ा वोट बैंक सिख समुदाय का है। ट्रूडो की सरकार कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से चल रही है, जिसके नेता जगमीत सिंह पर भारत विरोधी विचारधारा के आरोप लगते रहते हैं। भारत ने कहा है कि ट्रूडो प्रशासन ने भारतीय राजनयिकों को धमकाने और आतंकवादियों का समर्थन करने वाले को स्वतंत्रता की आड़ में खुली छूट दी हुई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब ट्रूडो को विदेश हस्तक्षेप पर आयोग के सामने गवाही देनी थी। आपको बता दें कि भारत ने कनाडा से अपना उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। इस बीच भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का भी फैसला किया है। भारत सरकार ने इन्हें 19 अक्टूबर की रात 12 बजे तक भारत छोड़ने के लिए कहा है। दरअसल सोमवार को भारत के कनाडा के एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को खारिज किया था, जिसमें कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त और अन्य भारतीय राजनयिकों पर पिछले साल हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होने का आरोप लगाया था। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।